बेटी के पकवान, एक नई किरण, नई उम्मीद, नई रातों के साथ मैं शहजादा अमीन एक बार फिर आपको माँ बेटी के पकवान में इस्तकबाल करती हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप और माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है, ठीक ठाक है? और जी जनाब, अदा आज नज़र आ रही है चने की दाल, तो हमारी कहीं दोस्त ये ना समझ रहे हो हम तक कोई दाल गोश बना रहे हैं या भंडारा बना रहे हैं या हलीम बना रहे हैं। ओ ये भी है, उन्होंने देख लिया होगा। जी जनाब, आज है शबरात की रात और इबादतों की रात, मगफरतों की रात, तौबा की रात। तो जी सबसे पहले तो हम आपसे कहेंगे कि आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक खैर से इबादत की रात गुजर गई होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे रात में अपलोड कर देंगे। हाँ कोशिश करेंगे कि आज रात ही अपलोड कर दें, तो आप लोग ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जी जनाब, अदा आज हम क्या बना रहे हैं? वैसे तो हमने ये अपने दोस्तों से ये शेयर की हुई है रेसिपी, लेकिन हमने कहा चलो हम आज नियाज बना रहे हैं तो आप लोगों के साथ वीडियो भी साथ साथ बनाते चले। मोस्ट फेवरेट हलवा, बिल्कुल। तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा और सूजी का हलवा, दोनों हलवे साथ बना रहे हैं। हम टुकड़ियों वाला बनाएंगे? नहीं नहीं, सिंपल बना रहे हैं, सिंपल वाला। ठीक है जी, तो ये जी चने की दाल है आधा किलो के करीब, और इसको हमने बॉयल करके रख लिया है। और यहाँ पे ली है चीनी, जितनी दाल होगी आपकी, आधा किलो हो, एक किलो हो, या एक पाव हो, या जितनी भी हो, उसी हिसाब से आप चीनी लेंगे, जितनी आपकी दाल। चीनी और दाल बराबर बराबर लेंगे, और अभी हमारे पास ये वाली चीनी है, अभी हम इन्हें पीस लेंगे, पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे। तो आपके पास अगर पिसी भी चीनी है कास्टर शुगर तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो जी जनाब, हम दाल ये ले रहे हैं और इसको हम पीस रहे हैं, ठीक है दादा? अब हम पीसने के बाद मिलते हैं। तो जी जनाब, ये अदा पीस रही है हैंड बीटर से, और ये बहुत अच्छी पिस जाएगी, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें कैसी अच्छी पिस गई है, थोड़ी सी और करेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगी। तो जी जनाब, देखें आप देख सकते हैं कि दाल बहुत अच्छे से अदा ने पीस ली है हैंड बीटर से, और अदा की मेहनत हुई है। तो चलते हैं अब अदा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पतीली ले ली, उसमें हमने घी डाल दिया है, इलायची डाल रहे हैं, बिल्कुल। हम इसमें इलायची थोड़ी सी, इलायची को हम हाथ से ऐसे कूट लिया था, अब इसमें दाल डाल दी है, चटपटे से कूट लिया था दादाजी। हाँ। तो जी अब हमने इसमें पिसी हुई दाल डाल दी है, हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब हमने अदा इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है कि इसका दाल का कच्चापन खत्म हो जाए और इसका कलर देखे और आपका हाथ अच्छा वाला दुख जाए। लेकिन नियाज है दा, बिल्कुल नहीं दुखेगा नियाज, हाथ वाथ कुछ भी नहीं दुखेगा, बस अल्लाह पाक हमारी ये नियाज कबूल करे। और आप लोगों में से भी जिस जिसने नियाज दिया, अल्लाह ताला सबकी नियाज कबूल करे, आमीन आमीन। और बड़े अच्छे दिन शुरू हो गए हैं दा, खैर से शबरात आ गई है, इसके बाद रमजान शुरू हो जाएंगे, और रमजानों का तो सबको ही बड़ी शिद्दत से इंतजार है। अल्लाह पाक खैर व आफियत से आए, खुशियां लेकर आए हर घर में, और बरकतें लेकर आए खूब सारी, आमीन। तो जी जनाब, आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा भुनाई की तरफ हो गया है, अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे दूध, ठीक है, चीनी, और बस अब इसकी खूब भुनाई करनी है, जितना आप भून सकते हैं उतनी इसकी भुनाई करनी है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी इसकी भुनाई जिस तरह होती रहेगी। ये देखें गाइस, यहाँ पे मजेदार सा हलवा तैयार हो गया है, इसकी भुनाई इसका मेन काम था। बिल्कुल, मैंने आपको दिखाया था ये भुन रहा था उस टाइम, और आप और बाकी बाद में बताते हैं। तो ये जी हो गया है पहला हलवा तैयार, अब चलते हैं सूजी के हलवे की तरफ, ठीक है ना? अब बनाएंगे सूजी का हलवा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, इसके लिए हमने एक कप सूजी ली है, तो एक ही कप चीनी ली है, यहाँ पर एक कप चीनी का हमने शीरा बना लिया, उसमें थोड़ा सा फूड कलर और इलायचियाँ डाली हैं। ये बिल्कुल, और ये जो अंदर भोरे हैं ये पीसी हुई इलायची ही है इसके अंदर। मैंने आपको शीरा पकते हुए दिखाया था तो, पर बताया नहीं था, मैंने कहा बाद में ही बता दूंगी आपको। तो ये देखें, इसके लिए हमने यहाँ पे पैन ले लिया है, पैन में हम डालेंगे घी, बिल्कुल घी हम एक कप डालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने घी डाल दिया, अब घी थोड़ा सा फिर सूजी को हम इतने अच्छे तरीके से भूनेंगे कि जब तक अदा सूजी की प्यारी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए, ठीक है ना, और सूजी का कलर चेंज ना होना शुरू हो जाए। इसमें सूजी, एक कप सूजी, बिल्कुल एक कप ही घी, एक कप ही घी। अब हम इसको भुनाई करेंगे, बिल्कुल भुनाई करेंगे, भूनते जाओ, भूनते जाओ, भूनते जाओ, बस भूनते जाओ, बिल्कुल। ये सब बातें तो अदा चलती रहेंगी, हंसी मजाक सब दुनिया के साथ साथ चलता ही रहता है।
पर जो दुआएं वाला सिलसिला है ना, वो तो आज की रात अदा रुकना नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल अदा, आप मेरे लिए दुआ करोगी? आप भी मेरी करेंगी? ऐसा हो सकता है मैं आपके लिए ना करूं? तो ऐसा हो सकता है मैं अदा के लिए दुआ ना करूं? मेरी तो सारी दुआएं अदा, अदा के भाई, अदा के पापा के लिए है, और आप लोगों के लिए भी है। बिल्कुल, और आप सबके लिए भी है। और आप लोग जरूर जरूर हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें आपकी दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है, और दुआएं देना बहुत अच्छी काम है। वैसे अम्मा, हम इसको कितनी देर में भूनेंगे? ये तकरीबन जब तक इसका कलर नहीं ना चेंज हो जाएगा और इसकी प्यारी सी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाएगी, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे अदा। ठीक है। तो जी जनाब, आप देख रहे हैं सूजी भून रही है, और आपको तो पता ही होगा जब सूजी भूनती है तो कितनी प्यारी खुशबू आती है। और नहीं पता है तो जब आपकी मामा सूजी भून रही हो ना, तो आप उसकी स्मेल सूंघिएगा कि कितनी खूबसूरत खुशबू आती है उसकी। तो ये हमारी सूजी अभी भून रही है। तो जी जनाब, हल्का हल्का सा कलर सूजी का चेंज होना शुरू हो गया है, और अदा अंदर से आ रही है बोलती हुई कि खुशबू मामा बहुत प्यारी आ रही है, सूजी भून रही है और खुशबू ना आए, वाह भाई वाह। तो ये देखें, इधर से सूजी भून गई है। हाँ जी, कलर देखें अदा कितना प्यारा आया हुआ है, और हमने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है स्टेज पे, और हमने जो ये शीरा बना के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे, और अदा पीछे हो जाना जल्दी से, और आप लोग भी जब डालें तो बहुत एहतियात से डालिएगा। अब इसकी हम बुनाई करेंगे। शीरा डाल दिया हमने, सूजी इसी के अंदर ही पकेगी। कितना प्यारा कलर आ गया है, वो सारा शीरा में डाल जी हमने, बिल्कुल जो सारा शीरा बनाया था वो हमने डाल दिया है। अब इसकी बुनाई करेंगे जनाब। इसके अंदर हमने डाल दी है किशमिश और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब ये देखें, बुनाई की तरफ आ गया, और कितनी प्यारी शक्ल आई हुई है, और इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। यम, वाह, खुशबू भी बहुत यम्मी आ रही है। तो जी जनाब, हमारा सेकंड हलवा भी हो गया है रेडी, और बहुत ही खुश शक्ल, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो रहते हैं, ये देखें, यहाँ पर हमारा सूजी का हलवा भी मज़ेदार सा बन गया है, दानेदार सा सूजी का हलवा। बिल्कुल जी, सूजी का हलवा रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। ये सूजी का हलवा है, ये चने की दाल का हलवा है। चने की दाल का हलवा बिल्कुल मुलायम सा है, और सूजी का हलवा है दानेदार। यहाँ पे शबरात की दोनों डिशेस हमने बना ली हैं, मीठे मीठे बनते हैं। तो यहाँ चने की दाल का हलवा और यहाँ सूजी का हलवा तैयार हो गया है। आप लोग भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए, और हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट्स करके बताएं कि आपके हलवे कैसे बने। बिल्कुल, और अदा देखो कलर कितने खूबसूरत आ रहे हैं ना दोनों हलवों के, और इसके साथ ही हमें अपनी येलो कलर में और ये लाइट ब्राउन कलर में, और इसके साथ ही हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और जी, अल्लाह पाक आपकी जो भी आज की रात दुआएं मांगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआएं कबूल करे और हमारी भी करे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं नई किरण नई उम्मीद के साथ। माँ बेटी के पकवान को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।